हेलो दर्शकों, मैं हर्षा गुंटला बेल्जो टीवी की तरफ से आपके सामने एक नई प्रतिभा को लेकर हाजिर हूँ। इस नई प्रतिभा का नाम है श्री राम बाबू साहब और वो है बिहार मधुबनी से। तो देखिए श्री राम बाबू साहब। नमस्कार, समाचारों में स्वागत है। मेरा नाम राम बाबू साहब, मैं विस्तार से बोल रहा हूँ। आज का मुख्य समाचार। बिहार में अब तक बाढ़ से 22 लोगों के मरने के साथ प्रदेश के 10 जिलों के 1785 लाख लोग प्रभावित है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक बाढ़ से 22 लोगों के मरने के साथ प्रदेश के 10 जिलों के 1785 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया का हवाई सर्वेक्षण किया तथा बाढ़ में पूर्णिया प्रमंडल मुख्यालय में जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार से गुजरने वाली वहां की नदियों में जल स्तर बढ़ने के कारण प्रदेश के इन जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। कल तक बिहार में बाढ़ से 17 लोगों की मौत हुई थी, पर आज यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, सुपौल और गोपालगंज के 49 प्रखंड के 1630 गाँवों में 1785 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है तथा करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुए हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार महानंदा, बखरा, कंकई, परमार, कोसी आदि नदियों में आई बाढ़ के कारण 50,000 के रकबे में 2,904 करोड़ रुपए की लगी फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण बिहार में 388 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 137 लाख लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे 357 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य के लिए NDRF की कुल 9 टीम को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 जिलों में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में भी STRF की कुल टीम लगाई गई है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा। मधुबनी जिलों से बाढ़ में पूर्णिया प्रभावित इलाकों के लिए सूखा खाद सामग्री के 15,000 पैकेट भेजे गए हैं। सूखा खाद सामग्री के पैकेट में 500 ग्राम सत्तू, 2 किलो चूरा, 250 ग्राम चीनी, नमक का छोटा पैकेट, 1 मोमबत्ती, 1 टॉर्च, दूध पाउडर आदि शामिल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पदयात्रा शुरू करते हुए ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 दिन की राजस्थान की यात्रा के शुरुआत में राहुल गांधी सूरतगढ़ पहुंचेंगे और कुछ समय बाद हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। सचिन पायलट ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 16 जुलाई को हवाई मार्ग से सूरतगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद श्री गंगानगर जिले के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर कार से पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खोतावाली जाएंगे, जहां ग्रामीणों से मुखातिब होंगे। प्रदेश भर में आए हुए विभिन्न लोगों के प्रतिनिधियों से प्रादेशिक स्थानीय मुद्दों पर संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम खोतावाली से पदयात्रा शुरू कर सुरावाली और अमर सिंह वाला जाएंगे। राहुल गांधी ग्राम वासियों से प्रदेश भर में आए हुए प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयपुर रवाना हो जाएंगे। सचिन पायलट ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी अगले दिन 17 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अध्यक्षों, आगामी निकाय चुनावों से संबंधित शहरों के प्रदेश अध्यक्ष के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत तीसरे पहर बाद प्रदेश अध्यक्ष मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन पहुंचेंगे, जहां भारत बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की 125वीं जन्मशताब्दी के समारोह के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। तो रामबाउसा, ये है रामबाउसा जिन्होंने बिहार मधुबनी से तशरीफ लाकर यहाँ बेल्जो टीवी में अपनी समाचार प्रतिभा के बारे में बताया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? और मैं ये चाहता हूँ कि आप, अगर ऐसी कोई प्रतिभा आपके अंदर पनप रही है तो आप भी हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं। और हम ये ज़रूर बताएंगे कि बेल्जो टीवी ऐसी जो भी प्रतिभा है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, इन्हें हम मंच देंगे और इनकी प्रतिभा को हम दुनिया में प्रसिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक नया रूप
नया रंग जो आज आपने बेल्सो टीवी की तरफ से देखा। नमस्कार।